इनर व्हील क्लब ऑफ दिल्ली विवेक एवं भारत विकास परिषद सूर्यनगर शाखा की अध्यक्ष अर्चना गर्ग, मेंबर रेखा अस्थाना, श्री मदन मलिक, कोषाध्यक्ष दिल्ली भारत विकास फाउंडेशन नेशनल सेवा समिति सदस्य और सदस्य रूबी शोम ने 29 नवंबर 2020 को पूर्वी दिल्ली स्थित दिल्ली भारत विकास फाउंडेशन में दिव्यांगों को निशुल्क ट्राईसाइकिल बैसाखी कृत्रिम पैर मास्क सैनिटाइजर वितरित किए। इस अवसर पर अध्यक्ष अर्चना गर्ग का कहना है कि महिलाओं को शिक्षा दिलाने पर काफी काम किया है। उन्होंने समाज में फैली कुरूतियों को दूर करने के लिए जीवन भर संघर्ष किया। आज भी इन्हें हमारे जैसे लोगों की जरूरत है। चंदर जी, आपको आज व्हील चेयर मिला है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या इससे पहले भी कभी आपको व्हील चेयर मिला है? व्हील चेयर मिला था तो, पर वो पुराना होके टूट फूट गया, लोहा सब जो था। तो हमने यहाँ पे नाम उम लिखवाए थे तो बोले थे कि ठीक है आना नवंबर में तो गाड़ी मिल जाएगा। आपका परिवार में कौन कौन है और आप कहाँ रहते हैं? हम रहते ताहिरपुर में। अच्छा। और मेरा एक परिवार है, बस एक मियाँ बीबी दोनों हूँ। अच्छा। बच्चे नहीं है। यहाँ पता चला मेरा पैर कट गया था तो एक बार हम यहाँ से वो पुराना टूट गया ले गए थे तो सिर्फ आपके साथ पैर के साथ कैसे हुए? मतलब ऐसा हुआ था, एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा। हाँ, एक्सीडेंट में आपका पैर खराब हुआ। हाँ। अब आपको कैसा लग रहा है? मतलब बहुत बहुत कुछ राहत मिलती है इससे। आशीष जी, आप कहाँ रहते हैं? मैं दिल्ली में रहता हूँ, त्रिलोकपुरी में। आशीष जी, आपको आज एक पैर भी मिला है और बैसाखी भी मिली है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है मेरे को, यहाँ जब भी आता हूँ मैं, बहुत सुविधा है। तो ये आपके जो पैर के साथ जो दुर्घटना हुई, कैसे हुई थी? ये एक्सीडेंट हो गया था मेरा ट्रक के साथ। अच्छा अच्छा, आप काम क्या करते हैं? मैं खाली हूँ अभी। खाली, रोजगार नहीं है आपके? नहीं, अभी कुछ नहीं है। आपका नाम क्या है? अल्पना। अल्पना जी, ये आपको आज बैसाखी मिली है, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आप कहाँ रहते हैं? हर्ष विहार में रहते हैं, दिल्ली में। परिवार में कोई और भी विकलांग है या आप ही हैं? हस्बैंड है। अच्छा, क्या हुआ था उनको? दोनों को पोलियो मारा हुआ है। अर्चना जी, आज आपने भारत विकास फाउंडेशन के माध्यम से कुछ व्हील चेयर और बैसाखी दान किए हैं, आपने ऐसा क्यों किया और आपको कैसा लग रहा है? मुझे, मैं हमेशा ही यहाँ पे साल में एक बारी बैसाखी या जो भी मेरी पॉकेट अलाउ करती है ट्राइसिकल, वो हम देते रहते हैं। मुझे इतना अच्छा लगता है यहाँ पे आके, क्योंकि जो कुछ सामर्थ्य नहीं है उनको कम से कम कुछ हम मदद तो कर सकते हैं, वो अपना आगे रोजगार चलाएं कुछ इनकी, क्योंकि ये जो विकलांग है वो कुछ कर नहीं सकता, रिक्शा पे बैठ के तो अपना पान बीड़ी सिगरेट जो भी कुछ है तंबाकू वो बेच के कुछ अर्निंग कर लेगा, अपने घर गृहस्थी चला लेगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई अच्छा काम किया संसार में। इनको देना, ये दिव्यांग जो हैं इनको देना, ये हमारे पूजा से भी बढ़कर है। और मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं इस तरह का काम, और भगवान मुझे सामर्थ्य दे और मैं इस तरह के काम करती रहूं। तो कितनी बैसाखी हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है, और हमने बहुत सी यहाँ पे बैसाखी और साइकिल्स दान की हैं और आगे भी करते रहेंगे, ये काम करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आपको प्रेरणा कैसे जागृत, ये काम भी, ये सेवा भी आपको देनी चाहिए? देखिए, ये जो पेशेंट्स बनते हैं दो तरीके से बनते हैं, एक तो यह है कि किसी को गैंग्रेन हो गया तो उसकी टांग काटनी पड़ी बीमारी करके, किसी का एक्सीडेंट से कट गया। तो हमने ये देखा कि नॉर्मली दिल्ली के चौराहों पर देखेंगे कि वो भीख मांग रहे हैं, और उनको तो गुजारा करनी है और कोई उनके पास साधन नहीं है, लेकिन अगर हम उन्हें किसी को आर्टिफिशियल लिम दे दें, ट्राइसिकल दे दें, ऐसी चीज़ दे दें तो अपने घर को अपने संभाल सकता है, आत्मनिर्भर बन सकता है। कई जगह तो उन्होंने जैसे ट्राइसिकल दिए हमने, इसके साथ ही छोटा सा एक वो बना लेते हैं जिसमें फ्रूट वगैरह रख सकते हैं, केले बेचती है, वही बेचती है। हम तंबाकू वगैरह को प्रमोट नहीं करते हैं, पर हम उनको ऐसी चीज़ों के लिए प्रमोट करते हैं कि वो जो है सब्जी है, फल है, ऐसा बेच के और अपना घर को परिवार को संभाल सके। आपके पूरे भारतवर्ष में भारत विकास फाउंडेशन की लगभग कितनी इकाइयां हैं? हमारी 14 इकाइयां जो हैं अलग अलग स्टेट के अंदर काम कर रही हैं, हिमाचल में भी है, पंजाब में, लुधियाना में है, हिमाचल में नगरोटा में है, कानपुर में है, इंदौर में है, और हैदराबाद में तो हमारा बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।